नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। ज्ञानवापी मस्जिद इन दिनों सुर्खियों में है। ऐसे तो काफी दिनों से ऑफ एंड ऑन चर्चा का पात्र रहा है ये धार्मिक स्थल, और ना जाने कब तक रहेगा। मुझे लगता है जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, सिविल सोसाइटी और मीडिया सबके लिए वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह पॉइंट ऑफ डिस्कशन 2024 तक तो जरूर रहेंगे, उसके बाद अभी कहना मुश्किल है। इन्फ्लेशन, फ्यूल प्राइसेस, एलपीजी सिलेंडर, बेरोजगारी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल बैकलॉग एंड ऑफ कोर्स लद्दाख और कई सारे चिंताजनक इश्यूज हमारे सोशियोपॉलिटिकल डिस्कोर्स में बिल्कुल फिगर नहीं करते हैं और ना ही करेंगे। अब क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद की परछाई का प्रेजेंस देश की राजनीति पर लगातार रहेगा, तो आज हम इससे जुड़े हुए इतिहास की बात करेंगे अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर। सबसे पहले एक बड़ा सवाल, क्या था मस्जिद के पहले, क्या है उसके तहखाने के नीचे, क्या वहां कभी मंदिर था, क्या औरंगजेब ने उसे ध्वस्त किया था। अगर उन्होंने मंदिर को डिमोलिश किया था तो क्या इस्लाम की हेजिमनी को एस्टैब्लिश करने के लिए किया था उन्होंने। सवाल अनेक हैं, हर एक के पास अपनी थियोरी है, मानो अपने आंखों के सामने सब कुछ देखा हो उन्होंने। औरंगजेब का जन्म नवंबर 1618 में हुआ और देहांत मार्च 1707 में। समकालीन काल में ज्ञानवापी मस्जिद पर विवाद जिन हिस्टोरिकल स्ट्रैंड्स में उलझा हुआ है, उनमें से सबसे पहले हम औरंगजेब, वाराणसी और मंदिर मस्जिद से जुड़े हुए इतिहास की बात करेंगे। समकालीन राजनीतिक टेरेन में औरंगजेब को एक डेस्पोटिक विलेन के तौर पर पेश किया जाता है। ऐसा कहा जाता है औरंगजेब फलते फूलते हिंदू धर्मों के संकेतों और प्रतीकों को खत्म करना चाहते थे। क्या यह हाइपोथेसिस सही है या फिर गलत है? औरंगजेब का राज्य बहुत बड़ा था, वहां कई हिंदू और जैन मंदिर थे, ये मुगल राज्य संरक्षण के हकदार थे। औरंगजेब ने व्यक्तिगत रूप से उनकी भलाई सुनिश्चित की, लेकिन यह भी स्पष्ट था कि यदि ये मंदिर या उनके संरक्षक शाही हितों के खिलाफ जाते हैं तो वह संरक्षण वापस लिया जा सकता है। मंदिरों को कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था, आखिरकार औरंगजेब डेमोक्रेट नहीं थे, आज के मापदंड में उन्हें इवैल्यूएट नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारत में अब सबके अधिकार निश्चित नहीं रह गए हैं। समय समय पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर कोई ना कोई सत्तारूढ़ पक्ष का नेता फंडामेंटल ड्यूटीज पर एम्फेसिस देता है और फंडामेंटल राइट्स की उपेक्षा करता है। उनकी मांग करते हुए लोगों को राष्ट्रद्रोही कहा जाता है, सिडिशन के केसेस फाइल किए जाते हैं उनके खिलाफ। अपने कार्यकाल के दौरान औरंगजेब ने कभी कभी मंदिरों के डिस्ट्रक्शन और डेसिक्रेशन को अधिकृत किया, लेकिन ऐसा तब किया जाता था जब उनके आदेशों का उल्लंघन किया जाता था, इसलिए नहीं कि औरंगजेब हिंदू विरोधी थे। अगर हम इतिहास को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे कि ज्ञानवापी मस्जिद पर संघ परिवार कर रहा है या फिर दूसरे मंदिर मस्जिद झमेलों को लेके कई दशकों से, तो ये समझाया जाना चाहिए औरंगजेब ने अनेक मंदिरों की भी रक्षा क्यों की।
बादशाह ने अपने अधिकारियों को कई फरमान जारी किए। उन्होंने मंदिर के मामलों में हस्तक्षेप ना करने के लिए उन्हें आदेश दिए। औरंगजेब के कार्यकाल में कितने मंदिरों को तोड़ा गया ये कोई नहीं जानता है। उन्होंने मंदिर के कस्टोडियंस द्वारा राजनीतिक उल्लंघन के बाद ही मंदिरों को नष्ट करने के आदेश दिए। अधिकांश इतिहासकार स्वीकार करते हैं कि उन्होंने बनारस और मथुरा में विश्वनाथ और केशवदेव मंदिरों को नष्ट करने के आदेश दिए थे। दोनों ही मामलों में इस बात का सबूत है कि कस्टोडियंस या फिर संरक्षकों ने सम्राट के निर्देशों का उल्लंघन किया था, मतलब उनके ऑर्डर्स का। इतिहास में हमें ऐसी हजारों घटनाएं देखने को मिलती हैं जब राजाओं ने अपने प्रीडिसेसर्स द्वारा बनाए गए मंदिरों को नष्ट किया। कई मामलों में राजा और मंदिर दोनों हिंदू थे। काशी और मथुरा में मंदिरों के स्थलों पर बनी मस्जिदों का निर्माण अलग अलग परिस्थितियों में हुआ था। दस्तावेज स्थापित करते हैं कि औरंगजेब ने मथुरा मस्जिद को फंड किया था, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में इसका कोई सबूत नहीं है। वैसे भी क्या 2022 में पूजा स्थलों का स्वरूप 1669 की घटनाओं के आधार पर तय किया जाना चाहिए ठीक 353 वर्ष बाद? यदि किसी भी देश के लोग यही करते रहते हैं तो वो पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने में ही फंस जाएंगे और वर्तमान चुनौतियों का सामना करने में असफल रहेंगे। सोचने वाली बात है, क्या भारत के साथ यही हो रहा है? ज्ञानवापी मस्जिद पर लीगल केसेस ने इन दिनों के सुर्खियों को डोमिनेट किया है, लेकिन क्या हिंदुओं के सेल्फ अपॉइंटेड प्रतिनिधि हमेशा मस्जिद पर कब्जा करने के लिए अदालती मुकदमे लड़ते रहे जैसा कि वे अब कर रहे हैं? आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, उनके द्वारा सबसे पहला मामला एज लेट एज 1991 में दर्ज किया गया था। उसके बाद 7 साल तक इशू ड्रैग होता गया। 1998 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले पर स्टे लगा दी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस स्टे के बावजूद वाराणसी के एक स्थानीय अदालत ने 2020 में मामले को पुनर्जीवित कर दिया। हाईकोर्ट ने एक बार फिर से स्टे लगा दिया। वाराणसी के सिविल कोर्ट में पिछले साल 2021 में इसी तरह से एक अलग अर्जी को गलत तरीके से स्वीकार कर लिया गया और फिर से हाईकोर्ट ने इसे खारिज या फिर स्टे कर दिया। परंतु पिछले महीने फिर से ऐसा किया गया। एक चेन देखने को मिलती है। यह स्पष्ट है कि ज्ञानवापी मस्जिद के लिए लीगल लड़ाई हिंदुओं के प्रतिनिधि द्वारा बहुत देर से शुरू की गई और उनको कुछ स्तरों पर अदालतों से सहायता प्राप्त हुई है। ज्ञानवापी मस्जिद के घटनाक्रम पर हाल ही में एक आर्टिकल लिखते समय मुझे 1949-50 में अयोध्या में इसी तरह की घटनाओं की याद आ गई थी। उस समय बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियों को स्थापित किया गया था। मस्जिद को एक डीफैक्टो मंदिर में बदल दिया गया था और मुसलमानों को हमेशा के लिए वहां से वर्जित या फिर प्रोहिबिट कर दिया गया था। अयोध्या में स्थानीय प्रशासन और लोकल कोर्ट्स ने मस्जिद को जब्त करने में मदद की, रामलला को प्रकट होने की कहानी को फैलाने में मदद की थी। इस बार वेरिफिकेशन से पहले यह दावा किया गया कि एक शिवलिंग पाया गया है और अदालतों ने सील भी कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मुसलमान अब वुजू खाना का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव देश में सरकार धूमधाम से मना रही है। 75 वर्ष बाद माइनॉरिटीज को उनके धार्मिक स्थल से डिस्पोजेस उन्हीं सेम प्रोसेसेस से हो रहा है।
ये कैसी प्रगति है, आप सोचिए। आइए अब हम आज के वाराणसी के इतिहास के अंतिम नैरेटिव ट्रैक्ट पर आते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के नेताओं ने कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर द पास्ट को रोकने के लिए कभी कोई कोशिश नहीं की। हम सभी जानते हैं कि बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया गया था और मुसलमानों का दिसंबर 1949 से प्रवेश प्रोहिबिटेड था, लेकिन 1984 से पहले इसके डेमोलिशन के लिए कोई आंदोलन शुरू नहीं किया गया था। यहां तक कि 1990 से पहले जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा हुई थी, तब भी अधिकांश लोगों ने इस आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया था। अधिकांश लोगों ने सोचा कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन ट्रांजिटरी था, कुछ लोगों को थोड़े समय के लिए आकर्षित करेगा और फिर कोट एंड कोट नॉर्मल राजनीति फिर शुरू हो जाएगी। कभी शुरू नहीं हुई नॉर्मल राजनीति। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े कॉन्ट्रोवर्सीज में आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जिक्र जरूर सुना होगा। क्या है ये कानून और किन परिस्थितियों में इसे पास किया गया था? संक्षेप में, ये कानून नरसिम्हा राव सरकार की पहल पर संसद द्वारा पारित किया गया था। 9 सितंबर 1991 को इसे पेश करते हुए उस वक्त के गृह मंत्री एसवी चव्हाण ने कहा था, इट इज नेसेसरी टू अडॉप्ट दीज मेजर्स इन व्यू ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सीज अराइजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम विथ रिगार्ड टू कन्वर्जन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप विच टेंड टू विशिएट द कम्युनल एटमोस्फियर। उन्होंने संसद को, लोकसभा को आगे समझाया, क्लॉज 3 ऑफ दिस बिल सीक्स टू प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ इनटू अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन और ऑफ अ डिफरेंट रिलीजियस ऑर्डर और डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ। इस विधायक ने अयोध्या में विवादित पूजा स्थल को इसके दायरे से एग्जेम्प्ट किया था, मतलब राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का मुद्दा बाहर था, नॉट कवर्ड अंडर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। एसेंशियली उस समय यह समझाया गया था कि अयोध्या विवाद को बातचीत या कानूनी तरीके से हम लोग सुलझा लेंगे, नहीं सुलझा पाए थे। उस समय तक विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे में मथुरा काशी के मस्जिदों को गिराने की मांग आ चुकी थी। कई हिंदुत्ववादी संगठन 3000 मस्जिदों को हटाने की बात कर रहे थे। उस अलार्मिंग सिचुएशन में यह कानून एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला था। अयोध्या ले लो, बाकी छोड़ दो, मोटा मोटा संघ परिवार को मैसेज यही गया था नरसिम्हा राव सरकार द्वारा। बिल पर वोटिंग के समय लेकिन बीजेपी के मेंबर्स ने संसद से वॉकआउट किया था। बिल फिर भी बहुमत से पारित हो गया और देश का कानून बन गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को कई बार अदालत में चुनौती दी गई, लेकिन इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को बरकरार रखा गया। हर बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने 9th ऑफ नवंबर 2019 का जो अयोध्या का जो सेटलमेंट का जो फैसला था, उसमें उन्होंने इस बिल के बारे में कहा था कि दैट दिस बिल intrinsically related to the obligations of a secular state and was a law that reflects the commitment of India to the equality of all religions. Court ne aage kaha ki bill ke do uddeshya the. First, that it prohibits the conversion of any place of worship. In doing so, it speaks to the future,
भविष्य को देख के बात करता है by mandating that the character of a place of public worship shall not be altered. Second, the law seeks to impose a positive obligation to maintain the religious character of every place of worship as it existed on the 15th of August 1947, jis din Hindustan azad hua. इन शब्दों के बावजूद इस बिल के खिलाफ मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल एडमिट कर दी. संघ परिवार के इकोसिस्टम के भीतर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ एक ऑल आउट कैंपेन चल रहा है. ज्ञानवापी मस्जिद, शाही ईदगाह और तमाम धार्मिक स्थल जिनका चेहरा वे बदलना चाहते हैं उन्हें इस कानून से प्रोटेक्शन मिलती है. देखना है सरकार जुडिशियरी को इस मुद्दे पर मैनेज कर पाती है या नहीं, अन्यथा उसको एक और कानून पास करवाना होगा संसद से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिपील करवाने के लिए. अगर ऐसा कदम सरकार लेती है तो उसे इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म या फिर कंडेमनेशन फेस करना पड़ सकता है. ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े अलग अलग पहलुओं का इतिहास बहुत लंबा है. क्या इस धार्मिक स्थल का भविष्य भी उतना ही लंबा होगा या फिर बाबरी मस्जिद की तरह बस याद बनकर रह जाएगी? नमस्कार.